लेकिन तू गया किधर था बे? तू भाग 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 भाग। और सुन, तेरे दोस्तों को बोल देना वीडियो के कमेंट में क्वेश्चंस डाल देंगे, संडे को काम आएंगे वीडियो बनाते टाइम। तो आप लोग को डांस देखना होगा राइट? दिखाता हूँ ना मैं, रुको। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गोस्ट। तो आ गए आप लोग, क्यों आ जाते हो बार बार, कौन बुलाता है आपको? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, एक नया स्मार्टफोन। गेस करो उसका नाम क्या हो सकता है, गेस करो। करो करो जल्दी करो। तो बिल्कुल आपने सही गेस किया, एकदम 100% सही। उस फोन का नाम है दी घंटाफो। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या है इस घंटा फोन के स्पेसिफिकेशन, उसकी प्राइसिंग क्या है, कब हो रहा है इंडिया में लॉन्च और क्या डिटेल्स है, बाकी सब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं। इस फोन में आपको 10 इंच की 8K डिस्प्ले वाली, जो कि गोरिल्ला ग्लास 10 के प्रोटेक्शन के साथ आती है, एक स्क्रीन देखने को मिलती है। यहां पर इन्होंने बहुत कंजूसी की, एक अच्छा खासा स्क्रीन दे सकते थे लेकिन नहीं, हम इसे घंटा ही कहेंगे क्योंकि घंटा फोन या घंटा स्क्रीन दिया है। फोन के बैक में आपको 30 मेगापिक्सल में 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, घंटा विवो 2 से बेटर कैमरा दे रहा है। फ्रंट साइड में भी आपको 30 मेगापिक्सल के ही कैमरा मिलते हैं, वहां पर भी आ जाओ तुम्हें वीडियो बनाओ, हमारा तो काम ही नहीं वीडियो बनाना, जब देखो तब हल्ला ही चलता रहता है, इनका वीडियो बनाने ही नहीं देते। आ जाओ तुम भी बना लो, बैठ जाओ यहाँ पे आके हल्ला करो, यहाँ पे आके हॉर्न बजाओ। फोन में 16 GB का रैम देखने को मिलता है और 2 TB की स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ पर भी वन प्लस से तो सीख लेते हैं कुछ, वन प्लस आपको 32 GB की रैम दे रहा है, तुम 16 GB में अटके हुए अभी भी। फोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 1680 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बेस्ड है और 16.8 GHz की स्पीड पर काम करेगा। इसमें आपको 16 कोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर घंटा सा प्रोसेसर लगा के दे दिया है, घंटा फोन है, घंटा प्रोसेसर वही सब चल रहा है। फोन में आपको 20,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो अल्ट्रा टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और इसके साथ भी एक अल्ट्रा टर्बो चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि 15 मिनट लेगा इसको चार्ज करने में। आई मीन 15 मिनट, घंटा, मैं तो 3 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना चाहता इस फोन को। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों देखने को मिलता है। आई मीन घंटा, iOS कौन लेता है आज के टाइम पे, 2018 में हम iOS ठीक। फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो इन सभी चीजों को कंबाइन करके 3,500 रुपए में देखने को मिलता है। आई मीन घंटा, लिटरली 3,500 रुपए कौन देगा, मैं 1,500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकता इस फोन के लिए। और वही पुराने से 2017 वाले मॉडल सारे फीचर्स लगा के दे रहे हैं, 2018 में कौन लेगा ये सब चीजें, थोड़ा तो ध्यान रखो। यहाँ पर अभी एंड्रॉइड iOS चल रहा है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन iOS तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, जैसा कि फोन का नाम है घंटा, मेरा ओपिनियन भी है घंटा, कौन लेगा इस फोन को, घंटा फोन बिल्कुल भी मतलब, मैं तो आपको बोलूंगा बिल्कुल भी मतलब, इससे सही तो आप जियो फोन ले लोगे 1,500 रुपए में। ये फोन लेके आपका बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला, अपने पैसों को आग लगा दो, इससे बढ़िया तो होगा। तो ये कुछ ओपिनियन थी, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस फोन को लेने के लिए, हालांकि मैं खुद लेने वाला हूँ ये फोन, आपको लेना नहीं लेना आपकी मर्जी। आप मेरे पास बताया करो, बार बार पूछे कि मैं फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई भी फोन लॉन्च हुआ मेरे वीडियो में कमेंट करना शुरू कर दे दो, फोन के बारे में बताओ, मेरा काम नहीं है फोन के बारे में बताना, तो मुझसे मत पूछा करो फोन के बारे में। और मैं कभी भी बताता भी हूं तो बिल्कुल भी मेरी बात सुनना मत फोन के बारे में, क्योंकि मुझे फोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही फेंकता रहता हूं आप लोगों के सामने। और वीडियो यहां पर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कुछ जोक सुनाने की नाकाम कोशिश करूंगा, हंसना जरूर, अगर नहीं हंसे तो अगली बार वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं, हंसना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो जोक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जोक है, जिंदगी स्क्रीनशॉट की तरह हो गई है, जिसे देखो बस लेने में लगा हुआ है। अच्छा एक और, एक और, पति को खुश देख के पत्नी कहती है बहुत मुस्कुराने लगता है, मार देनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। तो गाइस ये मेरी एक छोटी सी नाकाम कोशिश थी हितेश सर की पैरडी बनाने की, अगर आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कैसी लगी पैरडी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हितेश सर के पास तक पहुंच जाए। आई होप कि वो भी देखें और आई होप कि उन्हें बुरा ना लगे। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, कोई अफेंड होता है इस वीडियो से, आई एम रियली सॉरी, बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थी, बस एंजॉय करिए वीडियो को और भूल जाइए बाकी सब। जोक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जोक है, कवि कहता है हाँ तो कभी कहता है, अच्छा मैं कहता हूं, जिंदगी स्क्रीनशॉट की तरह हो गई है, जिसे देखो बस लेने में लगा हुआ है। अच्छा एक और, एक और, एक और,